जय माताई। दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत करवा चौथ का व्रत मनाती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, करवा चौथ जो है वो आने वाला है 2022 में 13 अक्टूबर को। करवा चौथ का व्रत पूरी विधि विधान से किया जाएगा। बहुत सारी माताएँ बहनें करवा चौथ व्रत के लिए बहुत ही लंबा इंतजार करती हैं और सोचती रहती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे में बहुत सारी माताओं बहनों के मन में बहुत सारे उथल पुथल जो है वो चलते रहते हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न जो है वो चलते रहते हैं। मैं उन्हीं में से कुछ प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में देने वाली हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि करवा चौथ व्रत जो है वो क्या हम दोबारा उठा सकते हैं। मान लीजिए कोई बहन है, वो पहले करवा चौथ का व्रत करती थी, उसके बाद कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि उन्होंने करवा चौथ का व्रत जो है वो छोड़ दिया। अब दोबारा उनको करवा चौथ व्रत करने का मन कर रहा है, तो क्या उनको उठाना चाहिए? तो हाँ, आप करवा चौथ का व्रत जो है वो दोबारा उठा सकती हैं। कोई भी दिक्कत जो है वो आपको नहीं होगी। जो भी माताएं बहनें कभी ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है कि उनको छोड़ना पड़ जाता है, तो करवा चौथ व्रत एक ऐसा है कि आप बीच में छोड़ सकते हैं। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको छोड़ना पड़ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। भगवान से क्षमा प्रार्थी करके आप अगली साल करवा चौथ का व्रत जो है वो पूरी विधि विधान से कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि अगर सास जो है वो विधवा है तो सास की जो थाली है वो हमें किसको देनी चाहिए, और सास की थाली जो है वो देना आवश्यक ही होता है या नहीं? तो देखिए, सास की जो थाली है वो सिंगार के रूप में एक साल में एक बार अगर हम देते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है। साथ ही साथ जब हम कोई भी व्रत करते हैं, खास करके करवा चौथ, वट सावित्री, इस तरीके के व्रत जो हैं सुहाग की लंबी आयु के लिए करते हैं, तो जो सुहाग है वो दान देना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहाग की चीज़ें दान करने से सुहाग की आयु जो है वो लंबी होती है। और ऐसे में अगर आप जो चीज़ें हैं, जो सुहाग की थाली है वो अपनी सास को देती हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। इसलिए आपको सास को सुहाग की थाली जो है वो ज़रूर देना चाहिए। जितना आपके बजट में है उस तरीके से आप दे सकते हैं। जो भी आपके बजट में है उस तरीके से आप सास की थाली जो है वो दे सकती हैं। कुछ नहीं, अगर आपकी सास की थाली में दे सकती हैं तो आप एक ब्लाउज पीस रख दीजिए, एक बिंदी का पत्ता रख दीजिए, आलता की एक डिब्बी सिंदूर और बिछिया जो है वो रख के भी आप सास को दे सकती हैं कुछ मिष्ठान और कुछ दक्षिणा देकर। अच्छा, सास विधवा है तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर सास आपकी विधवा हैं और सुहाग की थाली जो है वो किसको देना चाहिए, तो आप अपनी जेठानी, देवरानी, ननद, चाची सास, दादी सास या बुआ सास, मौसी सास, जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको आप दे सकती हैं, जो भी आपके बड़े हैं उनको दे सकती हैं, या जिनके भी आप चरण स्पर्श करती हैं उनको आप दे सकती हैं। अगर वो जो थाली आपके आसपास या आप दूर कहीं रहते हैं, वो थाली आप अपने किसी रिलेटिव को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ऐसे में आप मंदिर में किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद इंसान को भी ये जो थाली है ये दे सकते हैं। एक प्रश्न और आ रहा था कि जो सास की थाली होती है जिसमें हम सिंगार का सामान निकालते हैं, क्या वो हम अपनी माँ को दे सकते हैं? जो मायके वाली मम्मी होती हैं, क्या उनको हम दे सकते हैं? तो देखिए, कोशिश करिए कि पहले ससुराल पक्ष को दे दीजिए, क्योंकि बेकार का आप किट किट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं से पता चल गया कि अपनी मम्मी को दिया है जाके सामान, तो पता चले कि यहाँ महाभारत करवा दो, कि इधर कमी थी क्या जो इधर से सामान लेके आप उधर देने गई थी, है ना? तो महाभारत से बचने के लिए आप कोशिश करिए कि ससुराल पक्ष वालों को ही दें। उतने में 2-4-500 में आपका ना कुछ बिगड़ जाएगा और आपकी माता जी हैं जो उनको भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने ससुराल पक्ष को दीजिए। अगर ससुराल पक्ष में आपकी नहीं बनती है या आप नहीं देना चाहते हैं, जो भी मुद्दा रहा हो, ऐसे में आप सुहाग की थाली जो है, सास की थाली जो है, वो आप अपनी माँ को दे सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो ये रहे आपके प्रश्नों के जवाब। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबको करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके और आपके पति के बीच में स्नेह और प्यार जो है वो जीवन भर बना रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।